सो चैप्टर 4 ये थोड़ा वास्ट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, और उसको अभी हम सब लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझेंगे टॉपिक को क्या है कैसे है। और तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हेन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स लाइक हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज जो है क्या क्या उसका स्कोप है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि कौन से एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होगा और कौन से क्वालिटी का वर्क उस प्रोजेक्ट में हमें कंप्लीट करना है। सो इट कैन बी लाइक हैविंग द स्पेसिफिक गोल्स और डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, फीचर्स क्या क्या होंगे वो प्रोजेक्ट में, बजट क्या क्या एलोकेटेड है और उसके बाद हमें उसका टाइमलाइन क्या क्या दिया है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है सो दैट दिस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी अचीव्ड। ओके, नाउ अगर हमारे पूरे टीम को, प्रोजेक्ट के टीम को ये पता होगा कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, तो हमें ये सारे एक्टिविटीज जो है वो प्लानिंग करने के लिए आसानी होगी। उसके बाद देर आर सर्टन एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग, वो एक्टिविटीज करने के लिए हमें स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू सेंड सम ऑफ द पीपल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और वो वर्क है समझो ट्यूबलाइट फिटिंग करने का या कोई एयर कंडीशनिंग यूनिट इंस्टॉल करने का, तो वो एक्टिविटी के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो उनके साथ टूल्स भी कैरी करेंगे, और वो टूल्स होंगे आपके समझो ड्रिल मशीन एंड अदर टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड डिफरेंट नट बोल्ट्स एंड द स्क्रू ड्राइवर विथ व्हाट यू कैन से द स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर, डिफरेंट टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इज बाय डिफॉल्ट एडेड इन टू दैट पर्टिकुलर वर्क, सो यू कैन नॉट क्लेम डिफरेंटली दैट प्रोवाइडिंग द टूल्स कैन बी चार्ज एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बुलाया है मैन पावर के लिए कि आपको मैन पावर का यूज करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इंस्टॉलेशन का, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन का, तो उसके लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो सभी को क्या करना है, कैरी करना है। सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द वर्क, कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन क्या है। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है इससे आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो आसान हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स रिपोर्ट, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एंड इट इज प्रेजेंटेड वेरी मच बिफोर द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट का कुछ बजट है और वो प्रोजेक्ट के बजट में हमने बताया कि हमें कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, और वो एक्सपेंसेस फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेंसेस फिजिबल है या नहीं, या सिर्फ ये एग्जाम्पल की ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम ऐसा देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है वो फायदे में रहेंगे या नहीं, तो इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट देखा जाता है। इसमें क्या क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन सी दैट दे मे लीड टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट और द फेल्यूर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये ऐसे कुछ फैक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फैक्ट्री बनाया ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्ट शायद लीगल नहीं है, ओके तो फिर वो प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी नहीं है। एक बार जैसे हमने इंस्टॉल किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर क्या होगा, उसमें लीगल वो प्रोडक्ट ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट के ऊपर बैन आ सकता है, और जैसे ही बैन आएगा हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उस प्रोजेक्ट में वो वेस्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपने फिजिबिलिटी को स्टडी किया तो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चलेगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है जहां पर आपको लोकल पीपल का सपोर्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट है, ओके अगर वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है और अगर ये पहले से आपको पता है तो आप उसके साथ उसी तरह से क्या करोगे, कोप अप करोगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो हम ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या देखते हैं वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमें समझना। फिजिबिलिटी स्टडी इज फाइंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हाई वी वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज टू टेक सर्टन नंबर ऑफ डेज, सर्टन नंबर ऑफ मैन पावर, ऑल्सो इट रिक्वायर्स सर्टन नंबर ऑफ से अमाउंट ऑफ मनी, राइट, एंड फॉर ऑल डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वो फ्रूटफुल होना चाहिए. ओके, दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी गिविंग यू द रिजल्ट, इट शुड बी गिविंग यू द फ्रूट्स. एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. नाउ देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज विच वी शुड डू. फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड स्केड्यूलिंग फिजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं. ये सारी पॉइंट्स, पांचों पॉइंट जो है उसके ऊपर आप स्टडी करना चाहिए अलग से. तो वो क्या है वो हम लोग देखते हैं. फिजिबिलिटी स्टडीज में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फिजिबिलिटी स्टडी. अगर ऐसा आपके दिमाग में सवाल आता है तो आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहले, अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें करना है या नहीं करना है, या कोई भी काम हमें करना हो या नहीं करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर काम का स्टडी करते हैं. समझते हैं कि ये काम में हमें क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कंपल्शन है. ओके, या क्या क्या मुसीबत आ सकती है उसमें. तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है. सबसे पहले क्या है, वी नीड टू डू अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस. प्रिलिमिनरी एनालिसिस का मतलब क्या है, दैट वी विल गो एंड मीट पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम प्रीवियस ईयर और मंथ और 3 months, दीज पीपल आर वर्किंग देयर. सो वॉट आर द चैलेंजेस आर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इफ इट इज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबल रेवेन्यूज एंड द लाइक रेवेन्यूज यू कैन से, और यू कैन से द इनकम यू कैन से. ओके, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट अगर हमने कंसिडर किया, तो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमने एक एस्टिमेटेड यूजर का नंबर डिसाइड किया. फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर मेट्रो के प्रोजेक्ट से 200,000 लोग जो है वो ट्रेवल करेंगे. अब 200,000 लोग अगर ट्रेवल कर रहे हैं, नॉट इन अ सिंगल डे बट से मंथ और समथिंग लाइक दैट, तो 200,000 लोगों का मल्टीप्लाई बाय एवरेज टिकट साइज अगर हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें इकोनॉमिकल कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट होने वाला है, कितना पैसा इससे मिल सकता है. अगर हम बात करेंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट की, दैट प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, तो वो हमेशा ज्यादा ही दिखाया जाता है. प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमेशा क्या किया जाता है, ज्यादा ही दिखाया जाता है. और उसके वजह से, ज्यादा दिखाने की वजह से, हमें ये पता चलता है कि ये हमारा ओवरऑल टारगेट है और इसमें से कितना परसेंट अचीव हो चुका है, कितना परसेंट वो अचीव कर सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, ये ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही अमाउंट उसमें रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है. बट हमें एक रफ आइडिया उसमें हम हमारे इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, शुरू कीजिए, सो दैट यू कैन इजीली व्हाट यू कैन से इन्वेस्ट योर मनी विदाउट एनी फियर. तो बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, फियर रहता है, फियर ऑफ लूजिंग देयर मनी इफ दे हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट. अगर आपके प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा लगाया तो उनको डर नहीं लगना चाहिए. इसके लिए ये फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो बेसिकली किया जाता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. बीच बीच में आपको ऐसे सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चलता है कौन कौन सच में अटेंड कर रहा है. जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. सेकंड इज टू कंडक्ट अ मार्केट सर्वे इफ द प्रोजेक्ट क्रिएट्स अ गुड सर्विस और दैट डिमांड्स अ मार्केट इन विच द प्राइस इज सेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है या ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं जिसका फिजिबिलिटी स्टडी हमें करना है, जिसमें मार्केट के सेंटिमेंट्स जानना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है बट वो इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से अवेलेबल है, जिससे वो प्रोडक्ट जो है वो उन्हें यूज तो करना है बट बिकॉज इट इज फ्रॉम सम अदर वेंडर और इट इज फ्रॉम समवन हु इज नॉट गिविंग दैट मच ऑफ गुड क्वालिटी, तो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए आपका बट उसे अच्छी सर्विस भी चाहिए. तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का सर्वे अगर आपने किया तो मार्केट सर्वे की वजह से यू विल बी गेटिंग अ गुड इनसाइट्स अबाउट द कस्टमर एंड देयर रिक्वायरमेंट, कि कौन से प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट उनको चाहिए. आफ्टर दैट, व्हेनेवर देयर इज अ स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, वी रिक्वायर अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑल्सो, व्हाट आर द डिफरेंट नंबर टाइप ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड, उसका भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, हमें सिर्फ एक ड्रिल मशीन का काम करना है और हमने वहां पे 5 आदमी लगा दिए, तो हमारे रिसोर्सेस का वो क्या है, वेस्ट है. तो इसीलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग करते
वक्त ये ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा मैन पावर का रिक्वायरमेंट है या नहीं। आफ्टर दैट ओपनिंग डे बैलेंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, कि अगर हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ओवरऑल एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज को देखा तो कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये सारी चीजें हमें प्लानिंग में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट आर इंटरनल टू द प्रोजेक्ट एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड और एलिमिनेटेड। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसे वर्कर्स है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, वो बोलेंगे हम लोग सिर्फ 6 घंटा ही काम करेंगे, वी विल वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स, एंड ड्यूरिंग दैट 6 आवर्स ऑल्सो दे आर नॉट विलिंग टू वर्क फुल्ली विद द हाई कैपेसिटी, तो क्या होगा, हमें तो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करना है और ये लोग अगर ऐसा बिहेव करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। सो व्हाट थिंग्स वी शुड डू, तो यहाँ पे उसी पॉइंट को फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, मूविंग अहेड विद दिस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एंड एनालाइज द पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट को खराब कर सकती है। ओके, और वो इंटरनल है, मतलब वो आपके कंट्रोल में भी है, आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट में, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए हमें किसी मैन पावर की जरूरत है, और वो मैन पावर जो है वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं ये 1 दिन में काम नहीं होगा, इसके लिए 5 दिन लगेंगे, इसके लिए 10 दिन लगेंगे, ऐसा वो विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन अगर कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वहां से एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े। डिसाइड वेदर टू गो विद दिस पर्टिकुलर प्लान और प्रोजेक्ट सो दैट वी कैन स्टॉप द वेस्टेज ऑफ अवर एनर्जी एंड रिसोर्सेस, क्योंकि अगर हमने प्रोजेक्ट को शुरुआत होने के पहले ही अगर रोक दिया या उसे हमने स्टॉप किया तो क्या होगा कि हमारा उतना सारा जो उसका एक्सपेंसेस है वो बचेगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ वी डू द फिजिबिलिटी स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स यू विल गेट। फिजिबिलिटी स्टडी का सबसे पहले इंपॉर्टेंस और मीनिंग आपको समझा क्या, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ। टेल मी इन द चैट बॉक्स दैट हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, चैट बॉक्स में बताओ मुझे फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिबिलिटी स्टडी या फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि अगर हम ये प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं काम इसके ऊपर करना और ये हम कंप्लीट भी करते हैं तो वो कंप्लीट होगा क्या, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें उससे फायदा मिलेगा कि नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब अगर ढूंढना है तो हमें ये फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो करना है। ओके, और जब ये फिजिबिलिटी स्टडी हम करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये इकोनॉमिक कंडीशन से फिजिबल है क्या। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये जो बात कर रहा है प्रोजेक्ट के बारे में वो प्रोजेक्ट सिर्फ हवा में है, मतलब इसकी बातें तो हो सकती है बट ये रियलिटी में होगा या नहीं हमें पता नहीं। फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जिसमें 100+ से ज्यादा स्पीड के ऊपर ट्रेन को चलाया जाएगा, 100 से ज्यादा मतलब उसका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे हाईएस्ट स्पीड का वो ट्रेन है। अब ये प्रोजेक्ट को अगर हमने 1947 के बाद, समझो 1950 के टाइम में किसी ने अनाउंस किया होता कि हम लोग बुलेट ट्रेन बनाएंगे तो क्या वो उस समय के लिए फिजिबल था। बुलेट ट्रेन के लिए बहुत सारे सेंसर्स लगते हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्शन पॉइंट्स लगते हैं, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत होती है। उस समय पे इंडिया में मोबाइल फोन क्या नॉर्मल फोन भी इतने अच्छे क्वांटिटी में नहीं थे, उसका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था, तो हम उस समय पर बुलेट ट्रेन की बात करते थे तो क्या होता था, वो फिजिबल नहीं होता था। अभी यहाँ पे आपके पास अभी आज का ही एग्जांपल ले लो, टुडे वी आर डूइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर, तो अगर ये हमारे पास 5G नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर ये सब नहीं होता, बोलते थे कि हम लोग क्या ऑनलाइन लेक्चर लेंगे तो प्रोजेक्ट फिजिबल होता क्या। गिव मी अ रीजन, जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, सो राइट, सो एवरी प्रोजेक्ट हैज टू हैव इट्स ओन बैकग्राउंड, मतलब उसका एक पर्टिकुलर रीजन का सेट होना चाहिए जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है
वो 100% सक्सेसफुल होगा। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो उसके पीछे हमें एक प्रोसेस से जाना होगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, तो अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं तो हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो देखते हैं। गेट अ क्लियर कट आइडिया अबाउट व्हाट वेदर द प्रोजेक्ट इज लाइक टू बी सक्सेसफुल और बिफोर एलोकेटिंग द बजट मैन पावर एंड टाइम। मतलब सब इन्वेस्ट करने से पहले पैसा, मैन पावर और खुद का टाइम या प्रोजेक्ट के लिए वो एम्प्लॉयज का टाइम, ये सब देखने के बाद हमें पता चलेगा कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है बाय यूजिंग अवर फिजिबिलिटी स्टडी। गोइंग विद दिस, नेक्स्ट पॉइंट इंडिकेट्स दैट इट इनहेंसेस द प्रोजेक्ट टर्म्स इफिशियंसी एंड फोकस। तो जब भी हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के प्रोज कॉन एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सब पता होगा। और जैसे ही हमें यह सब पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें जो प्रॉब्लम्स है इस प्रोजेक्ट में आने वाले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसकी वजह से कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको पता चलेंगे, दैट देयर आर सर्टन न्यू अपॉर्चुनिटीज विच कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो कुछ बिल्डिंग्स है या कुछ बंगलोज है वहां पे एयर कंडीशनिंग का काम करना है, तो वहां पे समझो वो काम हमने ले लिया तो उसमें कुछ नया अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है कि हमने काम अच्छा किया, प्रोजेक्ट अच्छा एग्जीक्यूट किया, तो दैट कंपनी कैन गिव यू अनदर वर्क। तो ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी प्रोजेक्ट से हमें मिलते अगर फिजिबिलिटी स्टडी हमने किया तो। फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे तो हम क्या समझेंगे कि यस, कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट की वजह से उसमें हमें ऐसा ऐसा नया अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। मिलेगा ही नहीं ऐसा गारंटी से बोल नहीं सकते, बट अपॉर्चुनिटी यस दैट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी विद द एविडेंस ऑफ व्हाई एंड हाउ अ प्रोजेक्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद स्ट्रीमलाइन द बिजनेस अल्टरनेटिव्स, डायग्नोसिस द एरर्स एंड एड्स इन ट्रबल शूटिंग देम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एरर्स या कोई हमें वो एरर्स को निकालने के लिए कुछ एक्टिविटी अगर करना है तो इसके लिए हमारा ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो हेल्प करता है। देन इट प्रिवेंट्स द थ्रेट्स फ्रॉम ऑकरिंग द रिस्क मिटिगेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मिटिगेशन? रिस्क मिटिगेशन इज नथिंग बट मैनेजिंग द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर से। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिटेक्ट अ प्रॉब्लम इन द प्रोजेक्ट, मैं एक एग्जांपल दिया था आपको शायद, वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट आई डोंट नो, बट आई विल गिव यू अगेन दैट एग्जांपल। व्हेन देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो वो 800 मेगावाट का यूनिट, सिंगल यूनिट हम इंस्टॉल कर सकते थे, बट बिकॉज वी डन द फिजिबिलिटी स्टडी वी कम टू नो कि जहां पे ये 800 मेगावाट के पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, वहां से उस प्लांट तक लेके आने के लिए बीच में जितने भी पुल है, ब्रिजेस है, वो ब्रिज का कैपेसिटी उतना हेवी सामान लेके जाने का नहीं है। तो अगर हमने इतना हेवी सामान लेके गए तो ब्रिज जो है वो बीच में रास्ते में टूट सकता है। बिकॉज ऑफ विच, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 800 मेगावाट का यूनिट, दे आर नाउ वर्किंग विद 660 मेगावाट यूनिट। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से रिस्क है। ओके, तो रिस्क को क्या किया उन्होंने, मिटिगेट किया, समझा कि पर्टिकुलर रिस्क को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और ये कभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया। ये समझ में आया एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी से हमें प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी सारी चीजें पता होती है जिसकी वजह से जो हमारे टीम को और स्टेक होल्डर्स को वो प्रोजेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट इज बीइंग डन। नाउ वी विल डिस्कस द बेसलाइन प्लान। यहां तक समझ में आया सबको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट देन। बिकॉज व्हेनेवर वी थिंक कि अगर हमारे प्रोजेक्ट की हमें शुरुआत करनी है और हमें प्रोजेक्ट का ये पर्टिकुलर फिजिबिलिटी स्टडी करना है, तो हमारे पास एक डेटा आ जाता है, एंड दैट डेटा गिव्स अस, एंड वी कैन से ये डेटा जो है ना वो बहुत बड़ा, एक प्रकार से हम बोलेंगे एक शस्त्र है आज की तारीख में। डेटा अगर हमारे पास हो तो हमने वो जो लड़ाई है या वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो सक्सेसफुली ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, अगर वो डेटा है हमारे पास। तो अगर डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी मेहनत है वो सब करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं। बट फिजिबिलिटी स्टडी अगर
किया है तो हमें वो डेटा जो है वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम में आ सकता है। तो लेट्स सी, बेसलाइन इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज क्लियरली डिफाइंड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लान, कि हमें ये कब शुरू करना है। इट इज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट सो दैट वी कैन सी कि हमने जब प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद इतने दिनों में इतना इतना काम हो गया, इतने दिनों में इतना इतना काम होना चाहिए और इतने इतने दिनों में इतना इतना काम एक्चुअली हो चुका है। अब ये तीनों फैक्टर्स को हमें एक रेफरेंस पॉइंट से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड किया कि मुझे जनवरी मंथ से मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पूरे एक साल में कंप्लीट करनी है और वन ईयर टाइम के स्टार्टिंग को हम बोलेंगे 1st जनवरी। तो 1st जनवरी को हमने ये एक्टिविटी को शुरू किया तो उसको हम कहेंगे बेसलाइन। द मोमेंट बेसलाइन इज क्रिएटेड ऑल द एक्टिविटीज वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड और उसे उस बेसलाइन से कंपेयर किया जाता है। नाउ बेसलाइन इज जनरली एसोसिएटेड विद द 3 पॉइंट, वन इज स्केड्यूल, देन कॉस्ट एंड देन स्कोप। स्केड्यूल सेज कि हमें इस प्रोजेक्ट को कितने समय में, कितने एक्टिविटीज को कितने समय के साथ शुरू करना है, कंप्लीट करना है, या कितना प्लानिंग हमारे पास है कि पहले शुरुआत के 5 दिनों में हमें क्या क्या करना है, फिर शुरुआत के 1 महीने में हमें क्या कंप्लीट करना है, उसके बाद कितना कॉस्ट हमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, उसको देना है, कितना खर्चा हमें करना है और कितने टाइम के अकॉर्डिंग करना है, मतलब पहले 1st मंथ में कितना खर्चा करना है, 1st 3 मंथ में कितना करना है, 1st 6 मंथ में कितना करना है। तो ये ऐसे सारे फैक्टर्स जो है वो बेसलाइन प्लान में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसे रिलेट करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन मतलब क्या, कि अगर मैंने एक एक्टिविटी 0 डे से 0 डे, मतलब जिस दिन आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो वाला दिन शुरू होने के बाद इतने दिन तक क्या क्या एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी के लिए इतना दिन लगा, तो ऐसा ही सिमिलर एक्टिविटी के लिए और कितना कम दिन में ये हो सकता है। नाउ इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी देगा वो आपको, सो दैट यू कैन इफिशियंटली मॉनिटर एंड मैनेज हाउ टू चेंज वन कंपोनेंट एंड इट इज अफेक्टिंग द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने गूगल मीट से ये ऑनलाइन क्लास लेने का सोचा, आफ्टर सम टाइम देर इज अ चेंज इन द प्रोजेक्ट एंड वी थॉट वी शुड चेंज द सॉफ्टवेयर। सो द change in the software is like from Google Meet to say for example Zoom. So there is a time, cost and schedule which is involved that every one of you need to install the Zoom platform, Zoom app. Everyone need to log in with a new ID or something. And then there are certain different using efficiencies. मतलब हर एक को use करने के लिए कौन सा अलग अलग है, Google Meet के controls अलग है, आपके Zoom के अलग है, तो उसके according आपको क्या करना पड़ेगा, वो time को उसमें invest करना पड़ेगा। तो वो है आपका इफेक्ट, मतलब एक कंपोनेंट अगर आपने चेंज किया तो बाकी के सभी कंपोनेंट्स पे उस प्रोजेक्ट पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस विल आल्सो हेल्प यू टू ओवरसी द इंटायर प्रोजेक्ट, मॉनिटर द परफॉर्मेंस, स्पॉट द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड इजीली आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर चेंज। नाउ इन प्रोजेक्ट द चेंज इज समथिंग विच इज डन टू हैव द इफिशियंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। हम ऐसा चेंज हर बार नहीं करते, या हम चेंज करेंगे तो वो चेंज हर बार सेम नहीं होगा, वो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। और ये सारी चीजें बेसलाइन प्लान में हम क्या करते हैं, एक जगह पे लिखते हैं या फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा अगर हम इस एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ, डू यू वॉन्ट टू लिसन द एग्जाम्पल, जस्ट टाइप येस इन द चैट बॉक्स सो आई कैन गो विथ वन एग्जाम्पल। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल ऐसा है कि हमें पिज्जा खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो पिज्जा हम मार्केट से मंगा सकते हैं, डोमिनोज से मंगा सकते हैं, किसी और कंपनी से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी तो आ जाएगा। बट हमने सोचा कि ये पिज्जा जो है, जो हम 500-600 रुपए का पिज्जा खा रहे हैं, वो बहुत महंगा है, हम इसे क्या करेंगे, अगर इतने रुपए का सामान लाएंगे तो घर पे 2-3 पिज्जा और बन सकता है, ऐसा हम सोच के इस प्रोजेक्ट को हाथ में ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पुराना कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमने किसी एक्सपीरियंस शेफ के साथ सलाह मशवरा नहीं किया, और फिर हमने सोचा कि
ये प्रोजेक्ट के लिए जो जो चाहिए हमें वो हम लिखते हैं और वो मंगाते हैं। अब इसके ऊपर हमें क्वांटिटी और उसका प्राइसिंग, इसका एनालिसिस भी करना होगा। बट हमने वो ना किया, ना करने की वजह से हमने उतने पैसे में ऐसा सामान लाया, या वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू तो किया हमने, बट वो सारे इंग्रेडिएंट्स लाना उसी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, एक पिज्जा बनाने के लिए आपको ऊपर से जो हर्ब्स वगैरह डालते हैं या ओरिगानो वगैरह जो भी कुछ डालते हैं, उसका कुछ स्मॉल पोर्शन रहता है, और अगर आप उसे परचेस करने जाएंगे तो उसका ऐसा छोटा क्वांटिटी नहीं मिलता है। तो वो पर्टिकुलर ज्यादा क्वांटिटी वाला लेने के लिए हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो 500-600 रुपए के जगह पे आपका उधर 1,000-1,200 रुपए का खर्चा होगा। डेफिनेटली आप वहां पे अच्छा 4-5 की जगह पे 6-7 पिज्जा आप उसमें बना सकते हो। बट क्या उतना पिज्जा का जरूरत था हमारे प्रोजेक्ट के लिए? हमें एक ही पिज्जा खाना था या एक ही पिज्जा का जरूरत था? हमने वो सब सामान मंगाया, फिर उसके बाद उसको कुक किया, वो गैस सिलेंडर का गैस यूज किया, तो दीज आर अनइनवाइटेड एक्सपेंसेस। और अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इफिशियंट नहीं है तो वो क्या करेगा कि एक्सपीरियंस्ड इंसान से ये प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही फिजिबिलिटी स्टडी, अगर वो अच्छा है, प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा दिमाग वाला है, या आप में से कोई है जिसने सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा है, तो वो क्या करेगा, एक किसी एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर या किसी से फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो प्रोजेक्ट का वो करवा लेगा, और फिर वो बोलेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसका आ जाएगा, दैट टाइम ही विल बी इन अ पोजिशन टू अल्टर और रिड्यूस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं, बेसलाइन प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। व्हाट आर द 3 मेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट बेसलाइन? मतलब ये प्रोजेक्ट बेसलाइन का मीनिंग क्या है कि ये पर्टिकुलर एक साल में जो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमने एक कैलेंडर की लाइन जैसा मार्क कर लिया और उसपे लिखा कि पहले 1 महीने में हम ये एक्टिविटी करेंगे, पहले 3 महीने में ये एक्टिविटी करेंगे, पहले 6 महीने में ये एक्टिविटी करेंगे। जब ये सब हो रहा है तो पैरेलली एक और एक्टिविटी भी होते रहेगा, और ऐसा करके हमने ये सारे एक्टिविटीज को क्या किया है, एस्टिमेट किया है कि इसमें से कौन से एक्टिविटीज जो है वो एक्चुअल कॉस्ट में कितना खर्चा आएगा, स्केड्यूल में कितना खर्चा होगा, कितना टाइम हमें लगेगा वो एक्टिविटीज के लिए, फिर ये स्कोप कितना कंप्लीट होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? स्कोप का मीनिंग क्या है कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में कुछ काम करना है तो वो काम करते वक्त हमें वो काम कितने लेवल का करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, और वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में उस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि हमें वो जो रोड का जो क्वालिटी है वो कौन से टाइप का क्वालिटी चाहिए, मतलब वहां पे हेवी व्हीकल्स जाएंगे या वहां पे लाइट व्हीकल जाएंगे, या फिर ये कोई प्राइवेट कॉलोनी का रोड है, तो ये सारी चीजें स्कोप ऑफ द वर्क में आती है और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम उस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। सिमिलरली कुछ एक्टिविटीज होती है जो अंडर परफॉर्म्ड होती है, ओवर परफॉर्म्ड होती है, और उसे समझने के लिए बेसलाइन प्लान जो है वो हमें काम में आता है। आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग अ बेटर परफॉर्मेंस असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट हमने शुरू तो कर लिया, पर क्या वो प्रोजेक्ट सही मात्रा में सही दिशा से आगे जा रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और अगर हमें ऐसा प्रोजेक्ट कहीं और की जगह करना होगा तो क्या इसे हम इसी प्रकार से वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट कैलकुलेटिंग द अर्न वैल्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अर्न वैल्यू? अर्न वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्लान। मतलब अगर हमें एक काम 5 दिनों में करना था 20 लेबर के साथ, मतलब कितना काम है आपका, कितने लेबर है चैट बॉक्स में जरा बताओ। अगर एक काम हमें करना है कंप्लीट और हमें उसे टारगेट दिया है 5 दिन में करना है, एंड वी हैव 20 लेबर्स, हाँ, इसका मतलब क्या है कि 20 लेबर्स को हम 5 दिन क्या कर रहे हैं, पगार देने वाले हैं, और वो काम हमने 20 लेबर के साथ सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट किया, तो हमारा एक दिन का 20 लोगों का पगार जो है वो बच गया, राइट। इसका मतलब
20 मल्टीप्लाई बाय वन डे ऑफ अ सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ अर्न वैल्यू फॉर योर प्रोजेक्ट इफ इट इज गो बियॉन्ड योर प्लान. अगर प्लान के साथ वो जाता है तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो इतना खर्चा करवाता था, और अगर ये प्लान की वजह से ना गया, एक्चुअल गया, तो उसने इतना सारा कॉस्ट जो है वो आपका बचा लिया. इसे कहते हैं अर्न वैल्यू. और वो हमें बताता है कि प्रोजेक्ट का जो ट्रेंड है वो कॉस्ट को बचाने वाला है या एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला है. इसलिए प्रोजेक्ट का जो बेसलाइन है वो हम अगर जब सेट करते हैं तो हमें स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ये सबसे पहले ध्यान में देना है. बिकॉज अगर स्कोप स्टेटमेंट में हमें पता है कि हमें ये एक्टिविटी करनी है तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू गेट द वर्क डन. सिमिलरली इसमें हमें प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स का भी एक लिस्ट मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं. वो प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं ये समझने के बाद उसके डिलीवरीज भी अगर समझ में आएंगे कि हमें इतने दिन तक इतना काम करना है, इतने दिनों तक इतना हमें उनको काम कंप्लीट करके देना है, तो वो डिलीवरीज के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन जो है वो प्लान कर सकते हैं. आफ्टर दैट इफ इट इज मैप्ड विद अ डिफाइंड डेट्स एंड डेडलाइन, तो हमें ये पता चलेगा कि इतने दिनों में ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ये गोल के लिए ये प्रोजेक्ट को इतने फाइनल डेडलाइन तक कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट ये जब हम यूज करेंगे तो हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल भी करना है. तो व्हाट डू यू मीन बाय टूल्स, वो हम लोग देखते हैं. प्रोजेक्ट का टाइमलाइन का एक चार्ट होता है, वो चार्ट डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट आज के दिन में कहां पे खड़ा है. ये है आपका एक्चुअल वर्सेस प्लान. प्रोजेक्ट प्लानिंग की जब चैप्टर की बात कर रहे हैं तो एक्टिविटीज विच आर प्लान उनके लिए कितना टाइम लगेगा और एक्चुअल में वो एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा है, ये दोनों का कंपैरिजन एक चार्ट पे किया जाता है. उसे कहते हैं गैंट चार्ट, और वो हम इजीली एडिट भी कर सकते हैं जिससे डेडलाइन भी चेंज होती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टिविटी करने के लिए हमने 7 दिन का समय रखा है और वो अगर 7 दिन में वो एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो 7 दिनों बाद जो क्या कहते हैं उसका जो समय रहेगा तो वो बाकी के एक्टिविटीज में भी वो 7 डेज से ज्यादा वो एक्स्ट्रा टाइम हुआ है वो उन एक्टिविटीज में एड कर देगा. यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने पूरा कॉस्ट जो है समझो 200 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, हमने टोटल कॉस्ट प्लान कर लिया, बजट का जो है वो भी कर लिया, उसमें एक्सपेंसेस का स्केड्यूल भी बनाया. फॉर एग्जांपल पहले मंथ में हमें सब इक्विपमेंट्स और मटेरियल को पैसा देना है ताकि वो सब हमारे साइट पे डिलीवरी उसका मिल जाए, 50% पेमेंट उनको देना है, डिलीवरी के बाद 50% देना है. तो कितना खर्चा हुआ है वो भी हम इस पर्टिकुलर चार्ट से पता कर सकते हैं. उसके बाद वी कैन ऐड ऑल द अकाउंट रिलेटेड टर्म्स लाइक आवरली चार्जेस, अवेलेबल रिसोर्सेस और पीपीसी कॉस्ट, मतलब पे पर कॉन्ट्रैक्ट या पे पर एक्टिविटी जो कॉस्ट रहती है वो अगर वेरिएबल है तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. जब ये बेसलाइन प्लान के साथ हम इस बजट एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज को, परफॉर्मेंस एक्टिविटीज को ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा. आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग. लास्ट टाइम शायद हमने लेक्चर में ये देखा था, क्या शॉर्ट एनालिसिस के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. बताया था या नहीं बताया था? हाँ या ना, एक जन को ही बताया था, बाकी सब लोग चैट बॉक्स में बताओ मुझे. ये सब कुछ डिस्कस किया था हमने शॉर्ट एनालिसिस, कुछ याद आ रहा है आपको? शॉर्ट एनालिसिस इज बेसिकली द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस. दिस विल गिव यू एन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक विच विल द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज यूजफुल और नॉट, वेदर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज हेल्पफुल फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट. दिस कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. सिमिलरली there are certain threats by using that particular analysis so that the threats can also be nullified only if we know them. अगर हमें हमारी गलतियां पता होती तो हम उसे सुधारने का प्रयास जरूर करते. Similarly, इसको अगर हमने देखा कि हमें ये SWOT analysis अगर किया ही नहीं है तो हमें उसे सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा. Similarly, SWOT analysis जब भी हम करते हैं तो हमें corporate planning के
लिए उसका हेल्प होता है, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी कंपनी सिर्फ अकेले इंसान से नहीं चलती है, वो चलती है बहुत सारे लोगों से। और जब वो बहुत सारे लोग, उनके पास अगर कोई विजन मिशन नहीं है तो वो आपके बहुत सारे पैसे जो है वो खराब कर सकते हैं बाय नॉट डूइंग द इफिशियंट वर्क। सो इसी प्रकार से ये SWOT एनालिसिस का जो पर्पज है वो है टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट प्लान। अभी देखते हैं कि ये फोर फैक्टर्स, फोर फोकस एरियाज SWOT एनालिसिस के क्या है। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ। इंटरनल फैक्टर्स जैसे होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करते हैं, उसे कहेंगे हम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसे लोगों का टीम है जो बहुत ही इंथुजियास्टिक तरीके से काम करता है, उनके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है, वो बहुत टाइमली क्या करते हैं, काम पे आते हैं, बहुत मन लगा के काम करते हैं। ऐसे वर्कर्स का, ऐसे एम्प्लॉयज का आपके पास अगर अच्छा टीम होगा तो वो आपके लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। आपके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, सब प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, वो अगर एक्सपीरियंस्ड होंगे तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। आपके पास अगर आपके प्रोजेक्ट के जो कस्टमर्स है वो आपके प्रति अगर लॉयल है तो वो भी आपके लिए क्या है, एक स्ट्रेंथ है। अगर आपके प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट होगा या आउटपुट होगा उसमें कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग फीचर होगा जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट परचेस करने के सिवा आपके कस्टमर के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना रहा, तो आपके लिए वो प्रोजेक्ट क्या है, एकदम बेस्ट। ये उसके लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। उसकी वीकनेस अभी क्या है, वीकनेस विच विल मेक योर प्रोजेक्ट डिफिकल्ट, इट विल ट्राई टू मेक योर प्रोजेक्ट अ फेल्यूर। हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे ऐसे बिल्डिंग्स होती है जो बन के तैयार तो होती है, रेडी तो होती है, पर उसमें कोई रहने को नहीं आता। क्या आपने ऐसा कोई बिल्डिंग देखा है आपके आजू बाजू में, जरा टाइप करके बताओ आप कौन से एरिया में रहते हो, आपका एरिया बताओ जरा रहने का कहाँ पे है और कहाँ पे आपने ऐसा बिल्डिंग देखा है। इफ यू हैव सीन एनी जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, गिविंग यू 30 सेकंड फॉर दिस। एक ही जवाब आया है अभी तक, विरार ईस्ट में देखा है इसने, महादेव शिंदे ने। ओके, और बाकी लोग किधर रहते हैं जरा बताओ चैट बॉक्स में जल्दी, मुझे भी समझ में आएगा आप लोग है यहाँ सुन रहे हो। घाटकोपर वेस्ट, जियाद वेस्ट, बंदूरी वेस्ट, प्रशांत से सायन, नवीन इंडियन, पनवेल, कुटला। ओके, तो ये बहुत सारी जगह पे हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है, एक या दो बिल्डिंग रहती है बेसिकली, वो ऐसे ही बन के तैयार रहती है बट वहां पे कोई मतलब रहता नहीं है या कोई ऐसा थंडर जगह जैसी बन गई है वो, तो उसे कहते हैं वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। ऐसा हम कुर्ला में भी देख सकते हैं, कुर्ला वेस्ट में शायद, वो एक कोहिनूर सिटी है, उसके बाजू में बहुत सारे ऐसे SRA के बिल्डिंग्स है, वो ऐसे ही पड़े, ट्रेन में से भी दिखते हैं शायद। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो फेल हो गए है बिकॉज ऑफ सर्टन वीकनेस, कंपनी के ऊपर है, टीम के ऊपर उसका रीजन आता है कि इसके लिए खराब हो गया वो प्रोजेक्ट, या वो जो एक्सपीरियंस टीम नहीं था, लैक ऑफ रिसोर्सेस था, एक ब्रिज बीच में गिर गया था तो उसके अंदर थर्माकोल भरा था रेती की जगह पे, मतलब ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो वो वीकनेस है, किसी ने पैसे खाने के चक्कर में वो ब्रिज को ऐसे ही बना दिया विदाउट थिंकिंग एनी रॉन्ग थिंग कुड हैपन। तो उसके बाद लैक ऑफ बजट होता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसको पूछा क्या हुआ, हेलमेट नहीं पहना था क्या, वो बोलता है बजट नहीं था हेलमेट के लिए, जान जाने के लिए बजट था उसका, जान का, हेलमेट के लिए बजट नहीं था। ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आपको कब पता चलेगा, व्हेन यू डू द SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस। अभी देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कैसे होता है। अपॉर्चुनिटी इज अ एक्सटर्नल फैक्टर इन द बिजनेस एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल इट विल बी लीडिंग टू द कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो हमें पहले पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने इंडिया में सबसे पहला एक ऐसा किट बनाया जो पेट्रोल गाड़ियों में लगाने के बाद उसके ऊपर CNG भी हम चला सकते हैं, या CNG का फ्यूल भी रहेगा तो भी पेट्रोल इंजन उस CNG पे चलेगा, ऐसा एक किट बनाया और वो फैक्ट्री इंस्टॉल करने का काम अगर आपको दिया है। नाउ यू नो हाउ टू मेक दैट किट, आपने वो काम किया है वो प्रोजेक्ट पे, और वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीशन के टाइम पे आया गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अभी पेट्रोल गाड़ी में CNG का किट जो है वो लगाना है। अब ये आपके लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी बन गया। पता था आपको ये ऐसा कुछ हुआ था, होगा अपने साथ, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बराबर। सो ये उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, ये अलग से ऐसे अचानक से प्रकट होती है और फिर हमें उससे बेनिफिट होता है। नाउ मूविंग अहेड विद दिस, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना
वो कभी अपने कंट्रोल में नहीं रहती। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं किसी पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करूंगा और उसको बोलूंगा कि मैंने अभी ये प्लांट इंस्टॉल किया है तो तुम क्या करो, ये ऐसा एक नया कानून लगाओ जिससे पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी का किट लगाना जरूरी हो जाएगा। तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाएगी, उसको लॉबिंग बोलेंगे। ओके, तो अपॉर्चुनिटी इज डिफरेंट देन द स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, थ्रेट्स को समझते हैं। थ्रेट्स इज अगेन एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, पर इस चीज से नुकसान होगा ये आपको पहले से पता रहता है, ये इसकी ब्यूटी है कि हाँ ये अगर मैं काम करता हूं तो इससे मुझे नुकसान होने वाला है, ये आपको पहले से पता होता है, उसको थ्रेट्स बोलेंगे। ऐसा कोई थ्रेट आपको पता है क्या अपने खुद के बारे में कि ऐसा हम लोग करेंगे तो ऐसा उसका तकलीफ हो सकता है, या ऐसा नहीं करेंगे तो उसका ऐसा तकलीफ हो सकता है, या ऐसा हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे थ्रेट्स। तो कोई थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटी आपको लगते हैं आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ। सर दिस इज समथिंग विच आई सी एज अ अपॉर्चुनिटी। समवन विल से सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आ रहे हैं तो मुझे जॉब लगने के ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो वो आपके लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया। थ्रेट क्या है आपके लिए, चैट बॉक्स में बताओ मुझे कि आप ऐसा कुछ क्या काम करते हो जिसकी वजह से बाद में फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है, वो हो गया आपके लिए थ्रेट। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल कम टू द कॉर्पोरेट प्लानिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इट इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड बाय बिजनेसेस टू मैप आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू ग्रो, इंक्रीज प्रॉफिट, गेन एक्सपोजर एंड स्ट्रेंथन द ब्रांड आइडेंटिटी। देखो कितने स्पेसिफिकली बताया है कि क्या करना है, हमें कोर्स ऑफ एक्शन लेना है जिससे हमारे कंपनी को क्या हो, फायदा हो, हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बढ़ने चाहिए, हमारे कंपनी को एक्सपोजर जो है वो बढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोगों तक हमारे कंपनी की बातें पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथन द ब्रांड आइडेंटिटी। जब भी अगर हम बात करेंगे टाटा की ब्रांड की, तो टाटा के ब्रांड को खुद का अपना एक वैल्यू है ना, है कि नहीं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो वो अगर कुछ ऐसा डोनेशन का वगैरह कुछ काम करते हैं जिससे समाज को फायदा होगा तो टाटा के ब्रांड का वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना, तो ये सब प्लानिंग में किया जाता है। एंड इट इज अ टूल दैट सक्सेसफुल बिजनेसेस यूज्ड फॉर लिवरेजिंग देयर रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाया कि मैं मेरे एम्प्लॉइज को हर महीने एक जगह पे लेके जाता हूँ घूमने के लिए ताकि वो उनका सब स्ट्रेस जो है वो बस्ट कर सके, स्ट्रेस पूरा खत्म कर सके, और जब भी वो काम पे बाद में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। जैसा इन्होंने सोचा स्ट्रेटेजिकली, तो वो स्ट्रेटेजी उनको क्या करेगी, बेनिफिट देगी कि हाँ ये इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉइज को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करके उनसे ज्यादा काम करवा रहे। तो ये उनके एक प्लानिंग का हिस्सा है जिससे उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है। अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चार फेजेस क्या है, ऐसा अगर आपको किसी ने सवाल पूछा तो आप क्या बताएंगे उसको, तो देयर आर फोर स्टेजेस और फोर फेजेस वी कैन से। एक है फॉर्मुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कि हमें ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, ये प्रोजेक्ट का एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए हमें पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को क्या करना है, क्रिएट करना है या उसको रिलेट करना है, तो उसे क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, वो जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो सॉल्यूशन को, वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंटेशन को शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमने जो किया है क्या वो सही है, क्या जो इवैल्यूएशन हमने किया है कि हमें ऐसा ऐसा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन का इवैल्यूएशन किया जाना बहुत जरूरी है सो दैट वी कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन द प्लेस। देन मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी, ये बहुत जरूरी है। हमने देखा कि हमने इस तरीके से काम करने के बाद वो काम नहीं हो रहा है या वो उतना इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है इवैल्यूएशन करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपने स्टडी किया और आपने देखा कि मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर या एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो टॉपिक से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं अभी क्या करता हूँ, उसको मैं दो तीन बार रीड करता हूँ और फिर वो मुझे समझ में आएगा। ऐसा मैंने क्या बनाया, प्लान बनाया, फॉर्मुलेशन बनाया कि मैं तीन बार उसको रीड करूंगा। रीड करने के बाद हमने उसको क्या किया, इवैल्यूएट करके देखा कि कुछ याद आ रहा है क्या, इसमें से याद नहीं आ रहा है, तो हमने देखा कि इसको सिर्फ रीड करने से नहीं, मुझे इसके ऊपर कोई यूट्यूब पे वीडियो भी देखना जरूरी है। फिर मैं वो टॉपिक, वो चैप्टर को लेके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, फिर मैंने वापस इम्प्लीमेंट किया, वापस इवैल्यूएट किया,
किया, तो अभी पता चला कि एटलीस्ट मैं दो चार नाम तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में से ले पा रहा। फिर मैंने सोचा कि अरे इसको, इस मॉडिफिकेशन को ऐसे किया जाए कि मेरा प्रोजेक्ट जो है, मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो। और ऐसा करते करते, इस साइकिल को रिपीट करते करते हमारा एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बन गया हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ कौन से प्लान्स होते हैं प्रोजेक्ट को एज अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ लेके जाने के, और वो आपके मैनेजर को बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर होता है टेक्निकल प्लान, और फिर होता है ऑपरेशनल प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान गिव्स यू एन आइडिया कि हमारा प्रोजेक्ट किस दिशा में कैसे आगे काम करेगा। टैक्टिकल जो होता है, फॉर एग्जांपल कुछ हमें उसमें टेक्निक यूज करना है, या एक हम बोलेंगे कि समझो एक पर्टिकुलर मटेरियल को सिलेक्ट करना है, मटेरियल को यूज करना है हमारे प्रोजेक्ट में, और वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट मटेरियल क्या है, अवेलेबल नहीं है। और वो प्रोजेक्ट मटेरियल अवेलेबल अगर किसी से हम करवा सकते हैं तो वहां पर हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना है, और वो प्लान करना है हमें उसके ऊपर कि ये टेक्निक्स को, ये टैक्टिक्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड लास्ट जो है प्लान, वो है ऑपरेशनल प्लान। ऐसे कहते हैं, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, ख्याली पुलाव से कल की बिरयानी अच्छी। जब ख्याली पुलाव बोलता क्या है कि मैं ये बनाऊंगा, पुलाव में काजू डालूंगा, ऐसा करूंगा वगैरह वगैरह, पर अगर कल का बचा हुआ बिरयानी है तो वो एक्चुअली है वहां पे, जो आपके भूख को मिटा सकता है। ख्याली पुलाव मिटा सकता है क्या, वो अभी तक थॉट में ही है। बट ऑपरेशंस बहुत जरूरी है, कोई भी प्रोजेक्ट में हमें वो एक्टिविटी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेशनल प्लान। तो ये तीन मेजर टाइप ऑफ प्लान है जो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए काम में आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है प्लानिंग में, और वो है प्रोजेक्ट का टीम। आपने शायद प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लिया है और टीम का भी एक्सपीरियंस लिया है, अगर लिया है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। प्रोजेक्ट किया है ना आप लोगों ने, कुछ लोगों ने किया है क्या? ओके, तो प्रोजेक्ट टीम का जब हम कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री के लेवल पे सोचते हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट के टीम के पास कितने रिसोर्सेस है, उनको क्या क्या काम करना है, वो काम कौन करेगा, ये काम करने के लिए कितने टीम में कितने लोगों की जरूरत है, ये काम किस तरह से किया जाएगा, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट टीम को डिफाइन करने के वक्त, उसका प्लानिंग करने के वक्त हमें बहुत जरूरी होती है। तो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जॉब करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन से असाइंड काम उसको करने पड़ेंगे, वो दिया होता है। उसमें शायद डिजाइन होगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा, टेस्टिंग होगा, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा, ऑपरेशनल असेसमेंट होगा, और इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज होगा। ये सारे प्रोजेक्ट के टीम के जॉब डिस्क्रिप्शन है। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट में कौन से रिस्क इन्वॉल्व है, ये प्रोजेक्ट है मतलब कुछ सालों बाद आपका जॉब जो है वो क्या हो सकता है, चला जा सकता है, ऐसा उसमें रिस्क भी है। तो ये सारी चीजें वो जॉब डिस्क्रिप्शन में दी रहती है। कुछ जगह पे ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको जमीन के अंदर से ऑयल या फॉसिल फ्यूल वाला जो ऑयल है वो निकालने का कंस्ट्रक्शन करना है। तो वहां पर अगर कुछ ब्लास्ट हो गया, वहां पर कुछ फायर हैजर्ड हो गया, तो वहां पे जान जाने का भी चांस है। तो वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में वो लोग क्या करते हैं, देते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, नाम है कंपनी का कुछ स्लम्बरजर करके, काफी अच्छा पैकेज देती है लोगों को, डिप्लोमा लेवल में आती है, डिग्री में भी आती है, तो बहुत अच्छा पैकेज देती है। बट उनके यहाँ पे साल में 4-5 एक्सीडेंट तो होते हैं, मतलब ये एक्सप्लोजन वाले प्रोजेक्ट के। पैकेज बहुत बढ़िया देते हैं, मतलब जो किसी को जॉब में पैकेज नहीं मिलेगा उतना बढ़िया पैकेज उसको मिलता है जो कैंपस रिक्रूटमेंट से जाता है। बट उसी कंपनी में वहां पर एक्सीडेंट्स का भी रेट बहुत ज्यादा है। तो इसको देख के क्या पता चलता है हमें कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ रिस्क वगैरह है या अपॉर्चुनिटी है प्रोजेक्ट में, तो वो भी मेंशन करना क्या है, बहुत जरूरी है। नाउ कोई भी प्रोजेक्ट टीम मेंबर के ड्यूटीज क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ड्यूटीज अ प्रोजेक्ट टीम मेंबर शुड डू, क्या क्या कर सकता है वो, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें ये प्रोजेक्ट इतने दिनों में खत्म करना है, इतने इतने टास्क कंप्लीट करने हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट के जो एक्टिविटीज है, प्रोजेक्ट के जो वो ऑब्जेक्टिव है, उससे वो क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। कंप्लीटिंग द इंडिविजुअल डिलीवरेबल्स, जब कोई किसी को काम पे रखता है तो उसे कुछ डिलीवरेबल्स देता है, और वो कुछ
एक्सपर्टीज को भी डिमांड करता है कि आपको वर्ड फाइल बनाने को आना चाहिए, आपको एक्सेल फाइल बनाने को आना चाहिए, या आपको वो प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने को आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम में देखता है, और ये प्रोजेक्ट टीम मेंबर को ये सारे ड्यूटीज जो है वो करने पड़ते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ये काम क्यों करूं, उसको वो काम करना पड़ेगा, वहां पे उसको कुछ चॉइस नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, खत्म करना है। ओके, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद द यूजर्स टू एस्टैब्लिश एंड मीट द बिजनेस नीड्स। हर प्रोजेक्ट बनाने वाला या प्रोजेक्ट कंपनी जो होती है वो अलग होती है। मतलब अलग होती है का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट बनाता कोई और है, उसमें इन्वेस्ट कोई और करता है, और उसे यूज करने वाला कोई और रहता है। यूज मतलब क्या, आपने घर में, आपके घर में अगर सिलाई मशीन है, टेलरिंग का मशीन है क्या किसी के पास, जरा चैट बॉक्स में बताओ मुझे। नहीं है किसी के घर में मशीन। अगर सिलाई मशीन आपके घर में है तो उस मशीन को आपके शायद पिताजी ने पैसे दिए होंगे खरीदने के लिए, और उसको चलाने वाले आपकी मम्मी रहेगी। यूजर का और कस्टमर का डिफरेंस समझ में आ रहा है? द पर्सन हु बाइज दैट पर्टिकुलर मशीन मे नॉट बी द यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। यूजर मतलब वो जो उस मशीन को यूज करेगा। प्रोजेक्ट का जो यूजर है वो अलग है, और प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है वो अलग है। ओके, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसेस। कोई भी ड्यूटीज में ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि जो भी वो काम कर रहा है उससे प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है वो उसे डॉक्यूमेंट करना है, किधर तो रिपोर्ट उसका बनाना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जॉब स्पेसिफिकेशन? इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल, रोल ऑफ द एम्प्लॉई, रोल ऑफ द प्रोजेक्ट पर्सन, जिसे पता होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसे क्या क्या काम करना है, और वो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंडर आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन इज हाउ टू प्रोवाइड इसेंशियल इंडिकेटर्स फॉर एप्लीकेंट्स। मतलब जो भी जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसे पता होना चाहिए कि मुझे जॉब मिलने के बाद मुझे ये काम करना है। अगर उसको ये रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो अगर वो जॉब के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर सुटेबल कैंडिडेट है तो ही वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, और उसे एक मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस और स्पेशल क्वालिटीज जो है वो उसके पास होना चाहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर हम किसी को भी जॉब देने लगे तो हमारा काम भी नहीं होगा और हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे और एक कंपनी में आपने आपको हायर करेंगे तो आपका उनको कुछ फायदा होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको क्यों लिया। और इसको हेल्प करता है ये जॉब स्पेसिफिकेशन, कि जॉब को लगने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सिर्फ पेपर का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, आपके पास उसके बारे में क्या नॉलेज है, क्या आप उससे हमारे कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हो, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। तो इसी टॉपिक के बाद है टीम साइज। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो टीम साइज का पता होना बहुत जरूरी है। 5 to 7 मेंबर्स का अगर टीम अगर हम पकड़ते हैं तो उनमें से कौन से लोग कौन सा काम करेंगे, ये यहाँ पे पता होना जरूरी है। द टीम साइज दैट कंटिन्यू टू फंक्शन इफेक्टिवली इज अ 4-9 मेंबर्स एट द टाइम नोन फॉर अ फंक्शन कोएसिवली द साइन इज अप टू 12 मेंबर्स। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंटेलेक्चुअल लोग है तो उन्हें एक ही टीम में नहीं रखना चाहिए, वो पूरा काम जो है वो आपका बिगाड़ देंगे। तो ऐसे सिर्फ कहा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आपके टीम मेंबर्स को डिटेल में बताया गया है कि इस टीम में शायद तू सभी काम कर सकता है पर तुझे जितना काम दिया है उतना ही तुझे करना है, ये अगर हर एक टीम मेंबर को समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, वो टीम जो है वो सक्सेस होगा। अदरवाइज कोई एक टीम मेंबर सोचेगा कि मुझे तो सब आता है, ऐसा मुझे सबको दिखाना है, तो ना वो खुद का काम बराबर करेगा ना किसी और को करने देगा, और सबको मिला के एक साथ डूबेगा। तो इसलिए हमें देखना है कि टीम साइज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में देना है। आफ्टर दैट द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, ये इस पे भी डिपेंड होता है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो टीम है वो कितना बड़ा होगा, कि प्रोजेक्ट का साइज कितना है, प्रोजेक्ट का वॉल्यूम कितना है, जो काम करना है उस टीम को उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। ओके, उसके बाद
नेक्स्ट इज डिग्री टू विच द प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रेंड बाय द शेड्यूल और कॉस्ट। एक शेड्यूल और कॉस्ट के अकॉर्डिंग कितना वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ की स्टेक होल्डर्स, जो की स्टेक होल्डर्स है जैसे कस्टमर्स है, वेंडर्स है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है उस टीम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए और आपके पास ऐसा टीम है जो जिसको कुछ पड़ी नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए ना। तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो की स्टेक होल्डर है वो क्या करेगा, हमारे साथ अच्छे से जुड़ा रहेगा। तो हमें स्टेक होल्डर्स को क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है टू अचीव द राइट टीम साइज फॉर द टास्क। अगर हमने डिसाइड किया कि हमें वो प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से अगर एग्जीक्यूट करना है, तो वी शुड नो कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ टीम मेंबर के पास कौन से स्किल्स होना जरूरी है, उनके पास कौन से लेवल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और अलग अलग टास्क जो हमारे प्रोजेक्ट में हमें एग्जीक्यूट करने हैं, कंप्लीट करने हैं, उसके लिए कौन से स्किल्स हमारे टीम के पास चाहिए, ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव इज सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल मेथड्स फॉर प्रोजेक्ट क्राइटेरिया। प्रोजेक्ट क्राइटेरिया में क्या आता है कि समझो मुझे कोई डिसीजन लेना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक ऑफिस बनाने का है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑफिस जनरली अगर आपने देखा होगा, अच्छा बाय द वे एम आई ऑडिबल टू यू, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, प्रॉपरली है ना, आवाज बराबर है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, राइट? ओके ओके। सो जब भी हम इकोनॉमिकल मेथड्स का सोचेंगे कि सिलेक्ट करना है, तो हमें प्लानिंग के एक्टिविटीज में सबसे पहले टास्क का प्लानिंग करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने काम होंगे। उसके बाद हमें ये प्लान करना होगा कि हम कौन सा फाइनेंशियल मॉडल जो है वो यूज करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मॉडल? फाइनेंशियल मॉडल का क्या मतलब है आपको पता है? जरा बताओ मुझे। बाय एनीवन, अनम्यूट करके बोलो अभी, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, एंड देन मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये सारे रिटर्न्स के जो मेथड्स है उसे हमें क्या करना है अभी समझना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। वी आर एट द लास्ट पार्ट, उसमें हम देखेंगे प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके, गुड टू गो, शुड वी मूव अहेड? ओके, सो प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट इज सिंपली लाइक अ टाइम पीरियड बाय विच वी कैन लुक इन टू द फ्यूचर विथ अवर प्लान और द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। और हम लोग ये देखेंगे कि हाँ, मुझे इतना पैसा ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, दैट इज अ प्लानिंग मेथड। इसमें कुछ गोल रहेगा वो स्पेसिफाई किया रहेगा, और कुछ टाइम फ्रेम दिया रहेगा जिस टाइम फ्रेम में वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होना चाहिए। ये जो प्लानिंग है वो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का भी नहीं होना चाहिए, बट द प्लानिंग होराइजन शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस कि हम इतना इकोनॉमिकल जो इन्वेस्टमेंट है या इतना जो हम कॉस्ट इसमें ऐड करने वाले हैं, वो कॉस्ट, वो इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें वेल इन एडवांस परफॉर्म करनी है, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। इट विल कंप्लीटली योर डिसीजन वेदर यू शुड डू दिस प्रोजेक्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन और इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ये प्लानिंग का तरीका है इकोनॉमी को आगे लेके जाने का। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मॉडल। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फोरकास्टेड फ्यूचर। सच मॉडल्स आर intended to be used as a decision making tool and the purpose of financial model is to assess the economic feasibility of the project in a question. All financial evaluation of a project depend on the projection or expected future cash flow generated by activities of a completed project, and financial model is built to analyze this. Various financial models are, for example, how many of you know that in our college we can use a projector, right? Now every time if the projector is used and there is some rent to be paid for the projector, then we will calculate whether to buy our own projector is a good choice or paying a rent is a good choice. Some companies are not buying the location or the buildings, but they
start their operations, start their working at the rented places. And that is the reason where we can have the financial model by understanding what exactly the decision to be made for that particular project. First model that we can see, it is a payback model. It means if I invested some 100 crore rupees, how many years it will take to return my first 100 crore which I have invested, and what will be the result or return on that investment. So that is a second model, that is a return on investment. I am giving 100 crore to the company for the investment. This is Shark Tank mein wagar aap log dekhte ho. Maine 1000 crore diya, 100 crore diya, usme mujhe return kya milega, mujhe kitna percent uske upar return milega. That is a ROI. Next is net present value, NPV. आज अगर मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे कितना मार्कअप मिलेगा. फॉर एग्जांपल आपने 1 किलो आलू लिए, 20 रुपए में मिले आपको. उन आलू को आपने छीला, बॉईल किया, उसके चिप्स बनाए, वो ड्राई किए. अभी आप उन्हीं चिप्स को 200 रुपए पर हाफ केजी बेच सकते हो, मतलब 400 रुपए केजी पे बेच सकते हो. नाउ ये क्या हुआ, उसका उस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया. तो वो प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा ऐसा सोच के अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि जनरली स्टॉक मार्केट में किया जाता है. किसी कंपनी का शेयर आज लिया, हमें लगा कि अगले 7-8 महीनों बाद ये प्राइस कुछ एक्स अमाउंट से बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू. उसके बाद है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये हमें बताता है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर अमाउंट को किसी और जगह में इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न आता था. देखो इसमें अभी आगे एक्सप्लेन भी किया है, पेबैक पीरियड का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ईयरली कैश फ्लो, एक साल में कितना पैसा आ रहा है और मैंने टोटल कितना पैसा लगाया, इसको अगर डिवाइड किया तो हमें टोटल पेबैक पीरियड मिल जाएगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनिशियली सब्सट्रैक्टिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्ट, मतलब क्या नेट रिटर्न्स इसको मिलेगा, इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. IRR इंडिकेट्स द एवरेज एनुअल रिटर्न व्हिच इज अर्न थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ अगर आज का रिजल्ट देखेंगे या आज का हम अगर सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो शायद हमें ज्यादा भी मिलेगा, कम भी मिलेगा. बट अगर उसको एनुअली हम एवरेज करेंगे, एनुअली एवरेज करने का मतलब क्या है कि एक साल में इतना मिलता है तो 20 साल में जितना मिला उसको 20 से डिवाइड किया तो एनुअल एवरेज मिल गया. नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो. आज मेट्रो में, मेट्रो के स्टेशन में 10-15 हजार करोड़, 36 हजार करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फ्यूचर में जब टिकट बिक्री चालू होगा या मेट्रो सक्सेसफुल होगा तो कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू. आगे बढ़ते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है, ये एक एनालिसिस मेथड है जिससे वैल्यू इन्वेस्ट को हम डिस्काउंटिंग के रेट पे एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो के साथ क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल आज अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे जाके आपको 150 रुपए उससे मिल सकता है, ये एक कंपनी का फॉरकास्ट करते हैं. और फिर उसे प्रेजेंट वैल्यू के साथ DCF एनालिसिस को यूज करके कि देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज क्या है और प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में वो कितना जनरेट कर सकता है. तो अगर DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एनालिसिस अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए प्रॉफिटेबल अगर आता है तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या करना है हाथ में लेना है या उसे कंप्लीट करना है या उसके लिए बिड करना है. उसके बाद है मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न. हर बार कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है मैं इनपे उड़ा देता हूं और ये चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ऐसा नहीं होता है. तो उनको एक लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न एक प्रोजेक्ट जो है वो एश्योरिटी देता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एटलीस्ट 1-2% हम आपको ईयरली क्या करेंगे इसमें रिटर्न देंगे. ये तो कम से कम देंगे ही, बट इसके अलावा भी आपको ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, बट इतना तो हम कम से कम आपको देंगे ऐसा बोल के MARR के अगेंस्ट हम उससे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं. अब ये प्लानिंग के चैप्टर में ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कैसे आया, क्या आपको ये सवाल आया या आपको इसका जवाब भी मिल गया, चैट बॉक्स में बताओ मुझे. क्योंकि ये पर्टिकुलर
बजट का जो प्लानिंग है, फाइनेंस का जो प्लानिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल प्लानिंग ओके ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. नाउ मूविंग विद दिस पॉइंट दैट रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या. रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू अचीव द ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड पीपल. इन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स एंड टाइम कीपिंग दे हैव टू क्रिएट एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी बिटवीन द प्रोजेक्ट टास्क टीम टाइम बजट एक्सेट्रा. रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी फॉर प्लांड एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ. इट इज इसेंशियल फॉर इंडिया एज देर इज एनॉर्मस डायवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अ रिसोर्स प्लान डिस्क्राइब्स हाउ पीपल एंड फिजिकल रिसोर्सेज विल बी एस्टिमेटेड एक्वायर्ड डेवलप्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. पीपल आर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड वेयर एज मटेरियल्स आर कंट्रोल्ड आफ्टर दे हैव एस्टिमेटेड एंड एक्वायर्ड. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट सम पीपल फ्रॉम नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया कमिंग टू द मुंबई फॉर वर्क. कितने लोग को पता है यूपी से बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं. पता है क्या? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. यस सर. ओके. मंथन को पता है, नीलेश को पता है, गौरव को भी पता है. ओके. तो ये लोग उनके गांव में जो खेती रहती है वो खेती करने के लिए बारिश के टाइम पे चले जाते हैं. वो यहाँ पे तभी पानी पूरी वगैरह नहीं बेचते, वो घर पे जाते हैं काम करने के लिए. उस समय पे अगर आपको उन लोगों उन पर्टिकुलर रिसोर्सेस का यूज करना है तो वो करना आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. सिमिलरली यू हैव सीन सर्टन पीपल आर गोइंग टू देयर होम टाउन या होम विलेज ड्यूरिंग दिवाली सीजन या कोई ऐसा सीजन के टाइम पे वो लोग गांव चले जाते हैं. या होली को शिमगा को आप गए होंगे तो उस समय पे मैन पावर का मिलना क्या है प्रोजेक्ट के लिए डिफिकल्ट है. और अगर हमने उसका पहले से ही सोचा नहीं कि अगर मैंने इसके बारे में पहले ही अगर नहीं सोचा तो मेरा प्रोजेक्ट का प्लानिंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैन पावर के बारे में सोचा ही नहीं, रिसोर्स के बारे में प्लान ही नहीं किया. एंड दैट्स द रीजन व्हाई द प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट है एन एलोकेशन मैनेजर ऑल्सो नोन एज एलोकेशन बैंक इज अ सिस्टम डेवलप्ड टू मैनेज द रिसोर्स एलोकेशन वेयर इट ग्रांट्स अ जॉब टू द राइट यूज ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. एक काम करने के लिए ऐसा कहा जाता है चीटी मारने के लिए तोफ नहीं लेके जाते, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ डायलॉग है. तो वो डायलॉग के अनुसार अगर आपका काम छोटा है तो उसे 10-15 लोगों से मत कराओ, उसे एक दो लोग से कराओ, ठीक है वो काम हो जाएगा. इसी प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एलोकेशन मैनेजर है वो सभी रिलेटेड आपके एम्प्लॉयज को या आपके टीम मेंबर्स को इस तरह से असाइन करेगा कि आपके जो टूल्स है, आपके जो मैन पावर है, उसका सही इस्तेमाल होगा और आपको उसका बेनिफिट भी होगा. सो दिस इज हाउ द होल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टुक प्लेस. ऑल्सो रिसोर्स एलोकेशन जो सबसे लास्ट में पॉइंट रखा है प्लानिंग के लिए, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू नो अबाउट द स्कोप, यू नो अबाउट द स्केड्यूल, यू डोंट नो अबाउट द डेडलाइंस, देयर इज हार्डली एनी चांस दैट यू कैन कम टू अ एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस लेवल, रिसोर्स प्लानिंग लेवल. सो इट इज एट द लास्ट व्हेन यू नो ऑल द थिंग्स कि वेयर आई विल गेट अ मनी फ्रॉम, वेयर आई विल गेट अ स्कोप ऑफ द वर्क, वेदर द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, वेदर आई विल बी गेटिंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट टीम, ये सब पता होने के बाद हम हमारे प्रोजेक्ट का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे. ये सब करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से हमें फायदा देगा या नहीं. और इस प्रकार से ये जो चैप्टर 4 है वो हमने डिस्कस किया है. अभी इसमें आपको कुछ डाउट है, सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो. एनीवन हैव एनी डाउट, कुछ क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम ये आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं.